Traders, complete solution for submersible pumps and electrical accessories near old auto office Mahbub Nagar. Assalamu alaikum nazreen, main hu Mohammad Abdul Mukhit, aap dekh rahe hain Mendi News. तेलंगाना में 30 अप्रैल को बल्दियाई इंतखाबात 3 मई को नतीज। तेलंगाना के इलेक्शन कमीशन ने 2 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और 5 बल्दियाई इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया है, जहां 30 अप्रैल को रायदही होगी और वोटों की गिनती 3 मई को की जाएगी। ग्रेटर वरंगल के साथ साथ खम्मा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और 5 दीगर बल्दिया जैसे सिद्दीपेट, अचमपेट, जरचला, कोतूर के इंतखाबात 30 अप्रैल को होंगे। इंतखाबात 30 अप्रैल को होंगे। उम्मीदवार 18 अप्रैल से पर्चा दाखिल कर सकते हैं। 19 अप्रैल को इनकी जांच होगी। 22 अप्रैल को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जिन डिवीज़न के इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं, वो 30 अप्रैल को होंगे। GHMC के लंगोजी गुड़ा वार्ड के साथ साथ गजवेल, नलगुंडा, जलपल्ली, आलमपुर, बोधन, परकाल, मटपल्ली और बेलमपल्ली के एक एक वार्ड के इंतखाबात भी होंगे। इसी दौरान सिद्दीपेट बल्दिया की मियाद आज ख़त्म हो गई है और जरचला, गोकू, नरकिल को हाल ही में क़ायम किया गया है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने 2 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और 5 बल्दियात के इंतखाबात मुनक़िद करवाने का फैसला किया है। बादेपल्ली कोरमपेट को मिलाकर जरचला म्यूनसिपालिटी बना दिया गया है, जिसमें जुमला 27 वार्ड शामिल हैं।